इफ एक्स वाई जेड आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन प्रूव दैट दिस। अब ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इट मीन्स एक्स वाई वाई इक्वल्स टू वाई बाई जेड होगा। उसको यूज करके हमें ये फॉर्म करना है। सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव दिस। एक्स वाई जेड आर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, दैट इज एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। एंड वी हैव टू प्रूव एक्स प्लस वाई अपॉन वाई प्लस जेड, इनका स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड। ओके, अब देखो ऐसे क्वेश्चंस करने से पहले जो भी प्रूव करने को दे रखा होता है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ पर हमें एक्स प्लस वाई चाहिए, एक्स प्लस वाई, एंड वाई प्लस जेड चाहिए, वाई प्लस जेड। तो इसको दो वे से हम कर सकते हैं। एक तो कॉम्पोनेंडो अप्लाई करके, जिसमें क्या होता है, न्यूमिरेटर में एक्स प्लस वाई लिखेंगे, नीचे अकेला वाई, एंड यहाँ पर भी न्यूमिरेटर में वाई प्लस जेड लिखेंगे एंड नीचे अकेला जेड लिखेंगे। एंड दूसरा वे है, दोनों साइड वन को प्लस कर दो। इफ आई एड वन ऑन बोथ साइड देन आई गेट दिस। तो दोनों वेज इजी है, आपको जैसे भी इजी लगे आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कॉम्पोनेंडो अप्लाई करूंगी बाय यूजिंग कॉम्पोनेंडो। कॉम्पोनेंडो को यूज करके हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड अपॉन जेड। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इस साइड ले आऊंगी एंड इसको इस साइड। क्यों? क्योंकि जो हमें प्रूव करना है हमें उसी के अकॉर्डिंग लिखना है इसको। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई वो तो न्यूमिनेटर में है ही, डिनोमिनेटर में वाई प्लस जेड है, तो इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट कर रही हूँ। वाई को यहाँ पर लिख दिया, जेड एज इट इज। अब देखो क्या है, यहाँ पर स्केयरिंग है तो स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल स्केयर, वाई प्लस जेड होल स्केयर इक्वल्स टू वाई स्केयर अपॉन जेड स्केयर। अब यहाँ पर तो हमें एक्स वाई जेड चाहिए, हमारे पास यहाँ पर वाई स्केयर अपॉन जेड स्केयर आ रहा है। तो अब यहाँ पर देखो इसको हम लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर, एक्स जेड इक्वल्स टू वाई इंटू वाई वाई स्केयर। तो अगर मैं वाई स्केयर की जगह पर एक्स जेड पुट करूँ, यहाँ पर एक्स प्लस वाई होल स्केयर वाई प्लस जेड होल स्केयर इक्वल्स टू वाई स्केयर की जगह पर एक्स जेड अपॉन सॉरी जेड अपॉन जेड स्केयर। जेड स्केयर का मतलब क्या है, जेड मल्टीप्लाई जेड, एक जेड से जेड कट गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई होल स्केयर अपॉन वाई प्लस जेड होल स्केयर इक्वल्स टू एक्स अपॉन जेड। यही तो हमें प्रूव करना था, ठीक है, जो कि यहाँ पर प्रूव हो चुका है। एंड दूसरा मेथड जो मैं आपको बोल रही थी कि आप बोथ साइड वन को ऐड कर सकते हैं, वो भी आपको बता देती हूँ। सिंपल सा है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू सॉरी एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू वाई अपॉन जेड। इफ आई ऐड वन ऑन बोथ साइड एंड आई गेट एक्स प्लस वाई अपॉन वाई, एलसीएम लेने के बाद यही होगा ना कि वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू यहाँ पर वाई प्लस जेड अपॉन जेड। तो अगेन यही चीज़ बन गई। अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर दूंगी, एक्स प्लस वाई अपॉन वाई प्लस जेड इक्वल्स टू वाई ऊपर चला गया जेड नीचे, तो यही बन गया। आगे तो सेम प्रोसीड करना है। दोनों वे से इजी है, आप किसी भी वे से कर सकते हैं।